आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी ऑफ ए टू वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, तो एग्जामाइन द कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी of a two variable function. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने एक क्वेश्चन ले लिया, फंक्शन एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू तब दी है जब एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल है जीरो कॉमा जीरो, और ये वैल्यू जीरो है जब एक्स कॉमा वाई इक्वल है जीरो कॉमा जीरो। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो हम लिखेंगे नाउ फर्स्ट वी शैल discuss the continuity of a function at 0, 0। तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे लिमिट x, y tends to 0, 0। और इसके लिए देखो क्या लिखेंगे हम, एफ एक्स कॉमा वाई, तो लिमिट एक्स कॉमा वाई और टेंस टू 0, 0। फंक्शन हमारे पास है एक्स वाई स्क्वायर और नीचे है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक पाथ चूज कर लेंगे। क्या करेंगे, पाथ, लेट अस चूज ए पाथ y इक्वल टू एम एक्स। आप हर क्वेश्चन में यही पाथ चूज कीजिएगा। ठीक है, तो लिमिट x कॉमा वाई, अब देखो y इक्वल टू एम एक्स हो गया, तो एज y टेंस टू जीरो देन x टेंस टू भी क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो आप यहाँ पर सिंपली एक लिमिट लिख सकते हैं x टेंस टू जीरो, तो आप x टेंस टू जीरो लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा x एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर। तो आप जो है एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कट कर दीजिए, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर जाएगा नीचे से और ऊपर से, तो बच जाएगा एम स्क्वायर एक्स और वन प्लस एम स्क्वायर। अब आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया जीरो। अब अगर ये जो वैल्यू आई आपकी, अगर इसमें एम आता, मतलब लिमिट अप्लाई कराने के बाद एम अगर इसमें आता है तो फंक्शन जो है कंटिन्यूस नहीं होगा। अगर वैल्यू जीरो आ जाती है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो लिख देंगे हैंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट 0, 0। अब फंक्शन कैसा हो गया हमारा, कंटिन्यूस होगा एट 0, 0। अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, तो फॉर डिफरेंशिएबिलिटी फर्स्ट वी फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स 0, 0 एंड एफ वाई 0, 0। तो देखिए फॉर दिस, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एफ एक्स 0, 0 निकाला, तो इसका फार्मूला होता है लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो एफ 0 + h, 0 माइनस एफ 0, 0 और अपॉन h। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करेंगे, देखो
एफ एक्स 0,0 ऐसे रहने दिया, लिमिट एस टेंस टू 0 ऐसे रहने दिया। अब आपका यहाँ पर क्या रह गया, एफ एच 0 माइनस एफ 0,0 और अपॉन एच। तो आप ये वाली जो वैल्यू है वो आप किस में लगा दोगे, एफ एच 0,0 की निकालने के लिए जो हमारा फंक्शन था इसमें, आप x की प्लेस पर h और y की प्लेस पर आप क्या लगा दोगे, 0। तो आपको ये जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी बच्चों, 0। और फिर 0,0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपकी, 0 दे रखी है, तो माइनस 0 और अपॉन में कितना एच। तो आप लिमिट अप्लाई कर देंगे तो आपको देखो पहले तो इसको लिख लीजिए आप, लिमिट एच टेंस टू 0 और 0 अपॉन एच। तो आप क्या देखते हैं कि भाई 0 आ रहा है, लिमिट एच टेंस टू 0 और ये 0, अब आप लिख सकते हो 0। ठीक है, आप 0 को एच से डिवाइड करोगे 0 तो 0 आ गया। फिर आप निकालोगे एफ बाई 0,0, तो लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ पर हो जाएगा आपका एफ के, देखिए यहाँ पर जो आएगा 0,0 प्लस के माइनस एफ 0,0 और अपॉन में कितना आ जाएगा आपका के। अब लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0,k माइनस एफ 0,0 और अपॉन में कितना आ जाएगा k। अब आप फिर से देखिए एफ 0,k की वैल्यू निकालनी है, तो आप x की जगह 0 यहाँ लगा देंगे और y की जगह पर आप k लगा देंगे इसमें, तो x 0 है तो ये आपको वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर, सॉरी लिमिट k टेंस टू 0 लेके चलेंगे। ठीक है, तो लिमिट k टेंस टू 0 तो ये तो 0 हो गया। अब 0,0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी, 0 है, तो 0 और अपॉन में के यहाँ आ जाए। फिर लिमिट के टेंस टू 0 तो 0 अपॉन के, तो आपको यहाँ पर भी 0 ही मिल जाएगा। इस तरीके से आपने दोनों ही डेरिवेटिव निकाल लिए, पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स 0,0 और एफ बाई 0,0। ठीक है।